फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ बेबी के स्पिटअप के बारे में और वोमिटिंग के बारे में कि इसका क्या डिफरेंस है और इस क्यों इस वजह से स्पिटअप बेबी करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पेरेंट्स लोग का ये रहता है क्वेश्चन कि मेरा बेबी जो है बहुत वोमिट करता है, दूध पीने के बाद बहुत वोमिटिंग उसे होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वोमिटिंग और दूध निकालने में क्या डिफरेंस है। जब बेबी आपका दूध पी लेता है और थोड़ा जो है पनीर लाइक या कर्ड लाइक जब वो निकालता है तो उसको आप वोमिट नहीं बोल सकते हैं, वो एक स्पिटअप होता है। वोमिटिंग वो होता है कि जब आपका बेबी दूध ले लिया और वो अचानक से या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध निकाल दे तो इसको बोलते हैं वोमिटिंग। सेकेंड फिर आपका बात आता है कि बेबी स्पिटअप क्यों करता है। अगर आप बेबी को बिल्कुल फ्लैट सरफेस में सुलाकर दूध पिला रहे हैं तो बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इमैच्योर रहता है, तो उसमें एसिडिटी हो जाती है, तो इस वजह से वो जो गैस बनता है और बेबी कभी बर्प किया तो उसके साथ साथ जो है उसका दूध निकल जाता है। फिर रीज़न है कि जब आप ओवर फीड उसको करा दिए, स्टार्टिंग में मॉम्स को भी नहीं पता होता है कि बेबी को कितना दूध देना चाहिए, और ब्रेस्ट मिल्क अगर बेबी ले रहा है तो उसमें भी हमें नहीं पता चलता कि बेबी ने कितना मिल्क लिया है। और कुछ बेबी ऐसे होते हैं कि उसे खुद अंदाज नहीं होता कि उसका टमी फुल हो गया है तो वो दूध लेते रहता है, तो जब वो ओवर फीड कर लेता है तब वो जो एक्स्ट्रा दूध है वो कर्ड लाइक और पनीर लाइक फॉर्म में वो निकाल देता है। फिर आपका है कि बेबी जब आपका मिल्क ले रहा है और वो उसके साथ साथ वो इधर वो बॉटल से ले या ब्रेस्ट वो एयर ले लिया और जब बर्प किया तो एयर के साथ जब वो दूध निकलता है तो ये स्पिटअप होता है। तो इसका प्रिवेंशन यही है कि जब भी आप बेबी को फीड कराएं थोड़ा उसका हेड जो है अपवर्ड राइट पोजीशन में होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट में नहीं डाल के उसको दूध पिलाएं, जब वो दूध ले तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है उसके टमी तक जाए। सेकेंड है कि अगर आप बॉटल से फीड करा रहे हैं तो उसका निप जरूर चेक कर लें कि वो उसका बहुत हाई फ्लो तो नहीं है कि जिसकी वजह से वो बेबी बहुत ज़्यादा दूध ओवर फीड ले लिया। तो बॉटल से अगर आप फीड करा रहे हैं तो उसका निप्पल का साइज़ देख लें और निप्पल का होल का साइज़ भी देख लें कि ठीक है कि नहीं बेबी के एज अकॉर्डिंगली कि वो पी सकता है कि नहीं। थर्ड है कि जब आप बेबी को दूध पिला रहे हैं अगर बॉटल से या तो थोड़ा ब्रेक दे दें, अगर बॉटल से पिला रहे हैं तो पिला दें फिर निकाल दें, फिर पिलाएं फिर निकाल दें, तो उससे भी बेबी आपका फीड आराम से ले लेगा, वो दूध नहीं निकाल। ये सारा कुछ मैंने आपसे शेयर किया वोमिटिंग और स्पिटअप में क्या डिफरेंस है और इसका क्या रीज़न है और क्या आप उसको कर सकते हैं। प्लीज़ अगर जब भी अगर आपका बेबी दूध निकालता है तो आप घबराएं नहीं कि बेबी आपका वोमिटिंग कर दिया, वो इस रीज़न की वजह से उसने स्पिटअप किया होगा। मैंने ये भी बताया कि जब वोमिटिंग करता है तब आपको कैसे समझना चाहिए कि उसने वोमिट किया है। ये मैक्सिमम आपका 6 मंथ तक बेबी को रहता है न्यूबॉर्न से लेकर, जब बेबी आपका बैठने लगेगा और चलने लगेगा धीरे धीरे तो वो खुद वो एक्टिविटी करने लगेगा तो दूध निकालना भी अपने आप उसका कम होते जाएगा, ख़त्म होते जाएगा, क्योंकि वो उसका एक्टिविटी हो रहा है, न्यूबॉर्न है अभी चलता नहीं है, लेटा हुआ है, हमेशा वो एक एक्टिविटी ही कर रहा है कि लेट रहा है, फिर वो बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि वो दूध निकाल रहा हो। तो ये सारा कुछ मैंने शेयर किया इस बारे में कि दूध वो क्यों निकालता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।